मेरे फेवरेट शेयर्स में आते हैं। सबसे पहले तो मेरा फेवरेट शेयर है आईसीआईसी बैंक, और इसी के साथ है मेरा एचडीएफसी बैंक। ये बैंक की बात कर रहा हूं मैं, मौका मिले अब खरीदो। अब मैंने आईसीआईसी पहले क्यों लिखा, क्योंकि आईसीआईसी का जो शेयर है वो सस्ता है, 600 के करीब है, वो देख लेना रियल कीमत क्या है। लेकिन एचडीएफसी का जो बैंक का शेयर है वो 1500 रुपए के करीब है, क्योंकि महंगा है। तो मैं आपसे कहूंगा कि आप यहां से कर सकते हो। इसी बैंकिंग सेक्टर में मेरा एक और फेवरेट है एसबीआई, लेकिन अभी क्या है वो बूम पे चल रहा है। मैं आपको एक छोटी सी चीज और बताऊंगा, 430 रुपए का शेयर है, लगा सकते हो। तो ये मेरे बैंकिंग सेक्टर में मेरे फेवरेट हो गए, जो मैं आपको बताना चाहता हूं, ठीक है, बैंकिंग सेक्टर का हो गया। और मेरे फेवरेट शेयर कौन से है? मैं आपसे कहूंगा आप विप्रो में लगाओ, विप्रो, ठीक है। और लेकिन फिर से कह रहा हूं, ये मेरी राय है, आप अच्छे से स्टडी कर लेना कंपनी की, ये मेरी राय है। मैं आपको फिर से कहूंगा कि आप अच्छे से स्टडी करके अपने रिस्क पे लगाना, क्योंकि मैं अपने रिस्क पे लगाया हूं, किसी और के रिस्क पे नहीं। अपने आप पे विश्वास रख के लगाना। विप्रो, आपके पास तीन कंपनियां हैं, टीसीएस, इंफोसिस। अब समस्या क्या है ना, मैं आपको बताता हूं, ये तीनों कंपनियां अच्छी हैं, लेकिन क्योंकि हम लोग बिगिनर हैं, पैसा कम है, टीसीएस में आपको रेकमेंड नहीं करूंगा, बहुत महंगा है, 3000 रुपए का शेयर है। इंफोसिस का शेयर 1500 रुपए तक पहुंच चुका है, ये भी बहुत महंगा है। आप जाओ विप्रो, अजीम प्रेम जी कौन नहीं जानता, बरसों से लोग जानते हैं विप्रो का नाम, बरसों से सुनते आ रहे हो, कभी खत्म नहीं होगी ये कंपनी। एलईडी अगर किसी ने खरीदी, विप्रो कंपनी खरीदी होगी तुम लोगों ने, तो इसका शेयर आपको 500 रुपए के करीब में मिल जाएगा। आईटी कंपनी में जरूर लगाओ। अब पकड़ो पीएसयू, पकड़ते हैं पीएसयू, पब्लिक सेक्टर यूनिट। अच्छा एक और चीज बताता हूं, एक बहुत बढ़िया आपको मैं, एक बहुत बढ़िया, चलो मान लो कोई कहता है कि ये भी बहुत महंगा है, मैं आपको आज एक बहुत बढ़िया वाले शेयर्स बताता हूं जो मेरे खुद के पोर्टफोलियो में हैं, ठीक है, और वो इतने सस्ते हैं कि आप यकीन नहीं करोगे, बहुत बढ़िया शेयर्स हैं, बहुत बढ़िया शेयर्स हैं, एंड यू कैन इन्वेस्ट इन दैट, मैं वो बता देता हूं आपको, ठीक है, और बहुत सस्ते शेयर्स हैं, बहुत बढ़िया शेयर्स हैं। मेरा पोर्टफोलियो काफी अच्छा पोर्टफोलियो है, मैं आपको अभी ऐसे ऑन स्क्रीन तो नहीं दिखा सकता हूं, लेकिन मैं इसमें कुछ शेयर्स ऐसे बताता हूं जो कि बहुत कम पैसों के, जिसमें मैंने पैसा लगा रखा है, आपकी मर्जी है तो आप लगा सकते हो, ठीक है, लेकिन बहुत कम पैसों के हैं। मैं आपको बताता हूं वो शेयर कौन से, इसमें से एक शेयर है, नाम है उसका नेशनल एल्यूमिनियम, लिख लेना काम आएगा, तो इसको हटाता हूं, याद रखना ये पीएसयू नेशनल एल्यूमिनियम, ये मेरे पोर्टफोलियो में शेयर है। आप पता है कितने का शेयर है, ये क्यों अच्छा है मैं बताता हूं, एक तो ये गवर्नमेंट कंपनी है, पीएसयू है, दूसरा है डिविडेंड बहुत अच्छा देती है। डिविडेंड का मतलब जब आप शेयर खरीदोगे तो आपको खुश कर देगी, हर साल हर तिमाही में पैसे मिलते हैं, वो अच्छे मिलेंगे आपके अकाउंट में आएंगे सीधे। इस शेयर का प्राइस देख लो, आज के टाइम पे शेयर 72 रुपए का है, 72 रुपए ओनली पर शेयर। अब आप बताओ, आप 100 रुपए आप नेशनल एल्यूमिनियम का शेयर खरीद सकते हो। मैं महंगे शेयर नहीं, सस्ते की बात करते, ये मेरे पोर्टफोलियो में है, फिर से कह रहा हूं आप अपनी स्टडी कर लेना, ठीक है। मेरे को अच्छा लगता है क्योंकि ये गवर्नमेंट का शेयर है, इसलिए मैंने खरीद लिया। अब आते हैं एक और कंपनी, एक है ONGC, जिसका शेयर है मेरे पास, ONGC PSU है, ONGC का शेयर मात्र 125 रुपए का है, सिर्फ 125 रुपए का शेयर है। और पकड़ो एक शेयर मेरा और फेवरेट है, वो शेयर है पिडिलाइट का लेकिन बहुत महंगा है। लेकिन अगर आप सोचो कि मान लो कि आपको कोई भी चीज चिपकानी है, आप पक्का पीडीलाइट के शेयर, पीडीलाइट का प्रोडक्ट खरीद के लाओगे, लेकिन बहुत महंगा, लेकिन पीडीलाइट एक ब्लू चिप शेयर है, ऐसे मान लो आप, बहुत बहुत ही बड़ी लार्ज कैप कंपनी है, ठीक है, बहुत महंगा है, उसकी बात नहीं करो, सस्ते शेयर की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। इसके अलावा IOC का शेयर मात्र 114 रुपए का, IOC इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, IOC मात्र 114 रुपए का शेयर है, IOC 114 रुपए का शेयर है, बताओ 114 रुपए सेव नहीं कर सकते हो आप, पक्का कर सकते हो। मैं सस्ते शेयर बता रहा हूं जो मेरे पोर्टफोलियो में, अपने पोर्टफोलियो से देख के ही बता रहा हूं आपको। एक मेरा और फेवरेट शेयर है, लेकिन लेकिन वो ना तब बूम में आएगा जब फ्यूचर में, टाइम लगेगा उसको, लेकिन बहुत अच्छा है, मात्र 51 रुपए का एक शेयर है, लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं अपनी स्टडी कर लेना, अपनी स्टडी कर लेना तब लगाना, मात्र 51 रुपए का एक शेयर है, नाम है HSCL हिमाद्री। ये
ये जो ई व्हीकल बनाती है उसमें ये जो रॉ मटेरियल्स होते हैं ना बैटरी वगैरह बनाने के लिए, उसमें काम आती है। हिमाद्री, मात्र 51 रुपए का शेयर है। लेकिन मैं फिर से कहूंगा, आपने सुना नहीं होगा तो आप अपनी अपनी रिसर्च कर लेना, मेरे कहने पे मत जाना, बट मेरे पोर्टफोलियो में तो है, ठीक है। और मैं आपको बताता हूं, एक बहुत बढ़िया शेयर है हिंदुस्तान जिंक। हिंदुस्तान जिंक लिख लो, हिंदुस्तान जिंक। अब ऑब्वियसली पीएसयू कंपनी है, जिंक निकालती होगी, अब पता लग रहा है। इसका शेयर मात्र 333 रुपए का है, एक शेयर। बहुत बढ़िया कंपनी है, बहुत अच्छा डिविडेंड देती है भाई, मौका मिले तो खरीदना, 333 रुपए का। और बताऊं, और शेयर बताता हूं, एक शेयर जो मैं आपको बताता हूं, बहुत ही पैनी, मतलब बहुत कम पैसों का लेकिन बहुत बढ़िया क्वालिटी का शेयर है, और वो है अशोक लेलैंड। आप बता दो मुझे एक बात, क्या आपने अशोक लेलैंड की गाड़ियां नहीं देखी क्या? आप बाहर निकलो, आपको पिकअप्स, जो छोटी छोटी ट्रॉलीज पिकअप्स, आपको अशोक लेलैंड की गाड़ियां दिखेंगी। आप सड़क पर निकलोगे, आपको अशोक लेलैंड की गाड़ियां दिखेंगी, जो थ्री व्हीलर जो आपके सामान ढोके लेके जाती है, 100% आपको वो गाड़ियां दिखेंगी, सबने देखी होती है। अशोक लेलैंड का शेयर मात्र 128 रुपए का है। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं, मैं आपको आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूं, अपनी रिसर्च कर लेना, ठीक है। अब आते हैं फ्यूचरिस्टिक शेयर, एक और है मेरी तरफ से आपको गिफ्ट। उस शेयर का नाम है सीजी पावर, मैं आपको अपनी तरफ से बोल रहा हूं, ठीक है, बट फिर से रिसर्च कर लेना अपना। नाम क्या है? सीजी पावर। ये मेरे पोर्टफोलियो में है, मैं मेरा पोर्टफोलियो बता रहा हूं आपको। महंगे शेयर तो बहुत महंगे महंगे मैंने बता दिए, अब सस्ते शेयर की बात है। सीजी पावर शेयर मात्र 80 रुपए का है। कितने का है? मात्र 80 रुपए का। ये मैंने फ्यूचर शेयर बताए हैं आपको, जरा सोचो। एचएससीएल 51 रुपए का शेयर, एक 100 रुपए हैं, दो शेयर 102 रुपए होंगे, दो शेयर आ जाएंगे। सीजी पावर 80 रुपए का, 200 रुपए हैं आपके पास, दो शेयर आराम से आ जाएंगे, पैसे बच जाएंगे। अशोक लेलैंड 128 रुपए का। अशोक लेलैंड किसने नहीं देखा बताओ? चलो इनमें से ये नहीं सुना होगा आपने, वो नहीं सुना होगा, अशोक लेलैंड सबने सुना है, 128 रुपए का एक शेयर है। इतने पैसे तुम बचा ही लोगे। बहुत बढ़िया कंपनी है, फंडामेंटली स्ट्रांग है। ये शेयर मैंने 60 रुपए का जब था तब खरीदा था, सोचो जरा, 60-70 रुपए पे झूल रहा था, ये शेयर डबल हो गया है, अंदाजा लगाओ आप, समझ रहे हो। और एक और बात, ये नेशनल एल्युमिनियम मैंने 42 रुपए में खरीदा था, 42 रुपीज में, आप ये 72 रुपीज का हो गया है। और ये नेशनल एल्युमिनियम मेरे पोर्टफोलियो का हिस्सा है। अशोक लेलैंड मेरी फेवरेट कंपनी है, ठीक है, क्योंकि मैं जब भी कार से बाहर निकलता हूं, मैं इन गाड़ियों को देखता हूं, समझ रहे हो। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड। और मैंने आपको पैनी स्टॉक्स, मतलब पैनी नहीं कहेंगे इन्हें, मतलब ठीक है, मतलब कंपनियां बहुत अच्छी हैं, शेयर के प्राइसेस कम है, यू कैन इन्वेस्ट इन दैट, इज दिस क्लियर। और भी बहुत सारी चीजें हैं, बट मैं आपको फिर से कहूंगा, मैंने आपको वो चीजें बताई हैं जो, ध्यान से सुनिएगा, मैंने आपको वो चीजें बताई हैं जो जिस पे मैं विश्वास करता हूं, वो मेरा बिलीव है, मेरा यकीन है, मेरी रिसर्च है। हो सकता हो वो गलत होगी तो मेरे को घाटा होना चाहिए उसका। मैं आपसे क्या कहूंगा, मेरी सिर्फ रिसर्च है ये, मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं आपसे,